स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। तो 3.3 का पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकाले। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल 3.2 में भी यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन। तो उस वीडियो को देखें तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना आ जाएगा। ऐसे इसमें भी बता रहे हैं, चूँकि इसका भी सारा जितना भी क्वेश्चन है सब में है अभाज्य गुणनखंड विधि से ही घनमूल निकालना। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है कि कहीं पे माइनस में संख्या है, कहीं पे पॉइंट में है, कहीं डिवाइड फ्रैक्शन में है। तो सिंपल जो संख्या रहेगा उसका तो बता दिए हैं, यहाँ पे माइनस वाला देखते हैं पहले, उसके बाद फ्रैक्शन और पॉइंट वाला, ये तीनों को देखेंगे कि कैसे निकलेगा। तो देखिए माइनस में अगर संख्या रहे तो क्या करेंगे, तो माइनस में संख्या रहे फिर भी वही काम करना है, सिर्फ इसका आंसर में माइनस लगा देना है, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 1331 इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना सा होगा, 11 से 11 का 11 दो गया यहाँ तो 23 हुआ, 11 दूनी 22, एक एक गया यहाँ तो 11 का 11, फिर से 11 से होगा 11 का 11, एक गया यहाँ तो 11 का 11, फिर 11 का 11, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, तो 11 × 11 × 11। तो यहाँ से इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, तो इसमें क्यूब करना होगा, तो 11 का क्यूब आ गया, तीन बार आ गया, मतलब इसी को क्या बोलते हैं, इसका घनमूल 11 हो गया आंसर, लेकिन माइनस में है तो यहाँ आ जाएगा क्या, माइनस। ठीक है, तो माइनस में रहे तो सिर्फ माइनस लगा देना, बाकी काम वही करना है घनमूल निकालने के लिए, बस वही अभाज्य गुणनखंड विधि बोले तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकलता है घन, और माइनस रहे तो माइनस लगा देना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। जैसे इसका तो इसको भी करके दिखा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है कितना से होगा, 2 से होगा शुरू, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, फिर 2 से होगा 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 18, 2 × 2 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। अब देखिए यहाँ पे दो संख्या एक ही बार ले रहे हैं, एक छोटा है तो दो संख्या ले रहे हैं, तो 1 0 लगा लेंगे, उसके बाद 2 × 9 = 18, 1 गया वहाँ तो 2 × 6 = 12, फिर से 2 × 2 = 4, 2 × 0 = 0, 2 × 4 = 8, इधर 16, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 0 = 0, 2 × 2 = 4, 2 × 8, फिर 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर से 2 होगा 2 × 2 = 4, 1 यहाँ गया 11 हुआ, 2 × 5 = 10, 1 गया, 2 × 6 = 12, फिर से 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो इस तरह से पूरा इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल लिए। तो चलिए सबको उतार देंगे। तो क्वेश्चन है 32768 माइनस में, तो इसका क्यूब रूट करना है, तो इसका क्यूब रूट यहाँ पे लगा सकते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट इसका गुणनखंड कितना आया, तो 2 × 2, कितना बार 2 आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बार, तो 15 बार लिख देंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 बार लिख दिए। अब तीन तीन का इसका ग्रुप बनाना है, तीन तीन का ग्रुप बन गया, अब यहाँ से एक एक दो को निकालते जाओ, 2 × 2, यहाँ से दो, 5 ग्रुप बना है तो 5 × 2 निकल गया, अब इसको गुना कर देंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 32 हो गया आंसर, और चूंकि माइनस में इसलिए माइनस लगा देना है, क्लियर है। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप घनमूल निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में भी बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालें, लेकिन दूसरा में बोला दिया हुआ है फ्रैक्शन में, जैसे इतना बाय 2, 4, 3, 8, 9, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में दिया हो रहा है तो क्या करेंगे, इसमें भी वही काम कर रहा है, इसका अलग दोनों का हमको निकाल लेना है, अभाज्य गुणनखंड दोनों का अलग अलग कर लेना है। तो चलिए पहले ऊपर वाला करते हैं इसको, उसके बाद फिर करेंगे इसका, दोनों का निकाल कर दोनों से दोनों का घनमूल निकाल लेंगे, है ना, और उसको लिख देंगे। तो ये कितना सा होगा, तीन से होगा लगता है, चलिए 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 1 गया 3 × 6 = 18, 3 × 3, फिर 3 से होगा, 3 × 2 = 6, 3 × 3 =
26 हुआ, 3 अठे 24, 2 गया यहाँ 3 सत 21, अब कितना सा होगा 16 18, 3 से ही होगा, 3 सत 21, 3 दूनी 6, 2 गया 3 9 27, फिर 3 से होगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, फिर 3 से होगा, 3 8 24, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 सत 21, 3 9 27, उसके बाद 3 3 9, 3 1 3, क्लियर है। तो देखिए ऊपर कितना आया, माइनस में है, माइनस लगा लेंगे और ऊपर लिखेंगे कितना आया, 3 गुना 3, कई बार आया है 3, 3 6 9 बार, 3 4 5 6 7 8 9, 22 इसका। अब इसका निकालेंगे तो कितना का होगा, देखिए इसमें कितना से करना होगा, 4 2 6 3 9 9 18, 18 और 8 कितना होता है 26, तो 3 से ये नहीं जाएगा। तो ये कोई भी छोटा संख्या से नहीं जा रहा है, कोई भी छोटा संख्या का से ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो क्या करना होगा, बड़ा संख्या देखते हैं, 20 तक में कोई संख्या में नहीं आ रहा है, 21 22 23 या 29 का करके देखेंगे तो 29 में ये आ जाएगा, है ना। जैसे 29 को 29 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, या 29 का पहाड़ा लिख लेते हैं, 29 दूनी 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, 29 3 कितना होगा, 9 3 27, 3 दूनी 6 7 8, 29 चौके 4 9 36, 6 4 दूनी 8, 9 10 11, 29 5 9 5 45, 4 5 9 5 2 10 8 4 14। तो कुछ कुछ ऐसा संख्या रहेगा बुक में दे देता है जो कि बहुत बड़ा पहाड़ा से कटेगा, तो उससे मतलब नहीं है, बस आप मेथड याद रखें कैसे इसका घनमूल निकलता है ना। और पहाड़ा ऐसे ही आप गुना कर करके लिख सकते हैं, बड़ा पहाड़ा रहे तो। अब देखिए करके देखते हैं इसमें, तो इसमें देखिए 24 तो छोटा हो जा रहा है 29 का, 29 से छोटा है, मतलब लेना पड़ेगा 243, तो 243 किसके पास आ रहा है, तो अभी और लिखना पड़ेगा, 6 बार करके देखते हैं, 6 9 54 का 4, 5 6 2 18, 19 20 21 22 23, यहाँ पे आ रहा है देखिए 6 बार में, तो 6 बार में आया कितना 234, 234 आया, यहाँ 243 है, मतलब कितना बच गया यहाँ से, तो इसको घटाना भी पड़ेगा, 234 में 243 में 34, तो 34 और 6 40, 6 और 3 9, 9 बच गया, तो 9 आगे बढ़ जाएगा, तो 9 और 8 ऐसा हो जाएगा 98, है ना। अब 98 कई बार में होगा, 29 3 87 होता है, तो 3 बार में, तो 29 3 87 हुआ, ठीक है, और हमको 98 आया था, तो 98 में फिर 87 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यहाँ भी 1 11, तो 11 यहाँ बढ़ेगा, तो 119, तो 119 किस में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा, तो फिर गलत हो गया, 29 से भी नहीं जाएगा, मतलब क्वेश्चन ही गलत है लगता है, क्योंकि आंसर में 29 है, तो 29 से जाना चाहिए। अच्छा 29 को गुना करके देखते हैं इतना आता है कि नहीं, 29 का क्यूब करके, तो 29 का क्यूब मतलब 29 गुना 29 गुना 29, तो पहले 2 बार कर लेते हैं इसको गुना, तो 9 9 81 आएगा, 8 8, 9 9 18 और 8, 19 20 21 22 23 24 25 26 26 का 26 पूरा, 9 2 18, 2 2 4 1 5, 1 6 6 12, 13 14, 5 2 7 1 8, इतना आया। फिर इसको 29 से करेंगे गुना, तो 9 1 9 9 9 4 36, 9 8 72, 73 74 75, 2 1 2, 4 2 8, 8 2 16, तो 9 8, 8 5 13, 6 6 12, 1 13, और 1 बचा था 14, और 1 और 1 2, मतलब आ गया 24 3 8 9, 24 3 8 9, ठीक है, ये संख्या आ गया, मतलब किसका घन करने पर आया, तो 9 29 का। तो ऐसा गुना करके भी आप घन निकाल सकते हैं, अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने में दिक्कत हो रहा है, तो कोई भी संख्या अंदाज से ले, 21
21 नहीं ले सकते हैं, जो ऐसा संख्या लेंगे जो किसी का पहाड़ा में नहीं आता है, क्योंकि अगर 21 लेंगे तो 21 से कटेगा उसका मतलब 7 और 3 से भी कटेगा, 7 21 होता है, तो 29 चाहे कहे कि कोई पहाड़ा में नहीं आता है इसलिए 29 से किए, या 23 से कर सकते हैं तो 23 को गुना करके देखते, 23 का क्यूब करके अगर 23 में आ जाता तो 23 आंसर होता, लेकिन 29 में आया मतलब इसका घनमूल कितना हो गया 29, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 29 गुना 29 गुना 29 होगा। ऐसा अभाज्य गुणनखंड भी 29 से निकलता, लेकिन कहीं पे गलत कर दिए होंगे जोड़ने घटाने में, आप इसको अच्छा से निकाल सकते हैं या थोड़ा गंदा हो गया, तो यहाँ पे देखिए 29 आया, इसका वर्गमूल से मतलब है तो 29 हमको निकल गया, तो इसका कितना आ गया ऊपर में 3 3 3 3 बार 3 आया, 3 3 9 3 27/29 माइनस में तो माइनस में आंसर, ठीक है। इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड करके इसका घनमूल निकाल सकते हैं, माइनस में रहे तो माइनस लगा देना है, प्लस में रहे तो प्लस लगा देना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट में है तो पॉइंट वाला कैसे करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन पॉइंट में दिया हुआ है 0.001728 ये पॉइंट में है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे पॉइंट को हटा देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक लगा के जीरो लगाना होगा, कितना जीरो तो जितना अंक रहे 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट के बाद जितना अंक रहे उतना जीरो लग जाता है, तो 6 अंक है तो 6 जीरो लगा देना है, ठीक है। अब देखिए इसको सही से लिखेंगे तो ऊपर इधर जीरो का तो कोई वैल्यू अब नहीं है, कितना है 1728 बटा इधर है 1 के साथ 6 जीरो, तो 1 के साथ 6 जीरो का अगर घनमूल करें तो इसका आ जाता है 1 के साथ 2 जीरो आ जाएगा 100, यानी कि 100 का घनमूल करेंगे तो 2 3 6 जीरो लग जाएगा, है ना। तो ये तो 100 निकल गया, इसका 0 0 इसलिए डायरेक्ट निकल गया, इसका कितना होगा तो इसको तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो चलिए इसको गुणनखंड करेंगे 2 8 16 2 6 12 2 4 8 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 6 12, फिर से 2 1 2 डबल संख्या ले रहे हैं तो 0 2 8 16 2 5 10 2 4 8 2 2 4 2 7 14, फिर 3 से होगा 3 9 27 3 3 9, फिर 3 1 3 इतना आया, मतलब 3 2 3 बार, फिर से 3 बार 2 और फिर 3 3 बार, यानी कि यहाँ से 2 निकले, यहाँ से 2 निकले, यहाँ से 3, तो 3 2 6 2 12 हो जाएगा ऊपर में, तो 12/100 आंसर। तो पॉइंट में रहे तो इस तरह से पॉइंट हटा करके आप निकाल सकते हैं, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं पॉइंट का, 0.003375 ये है, तो यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो लगेगा, कितना 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो फिर से 6 जीरो लगा देंगे, 6 जीरो का अगर घनमूल करें तो 2 जीरो लगेगा, 3 से इसको भाग दे देना है समझिए जीरो को, तो 6 है तो और 2 से 3 से भाग दे देना है, 6 है तो कितना हो जाएगा 2 जीरो, है ना, 3 2 6 मतलब 2 जीरो लगेगा, 8 9 रहता तो 3 3 9 3 जीरो 9 का होगा, 8 रहेगा तो उसका घनमूल नहीं निकलेगा, है ना, 3 का गुना में होना चाहिए ये 0, और स्क्वायर रहता तो 2 का गुना में रहना चाहिए, तो घनमूल है तो 3 गुना रहेगा, तो 3 गुना कम कर देना है, तो 6 है तो 3 2 6 यानी 2 जीरो बचेगा। अब ऊपर बच गया कितना 33 75, तो इसका वर्गमूल निकालना होगा, तो 33 75 का निकाल लेते हैं पहले, घनमूल निकालना होगा, वर्गमूल बोलते हैं, तो गुणनखंड करेंगे 5 से 5 6 37 37 5 7 35 2 5 5 25, फिर 5 1 5 1 5 3 15 16 17 25 5 5 25, फिर 5 2 10 5 7 35, फिर 3 से होगा 3 9 27 3 3 9, यानी इसमें कितना आया 3 3 बार 5 3 बार, मतलब 5 3 15 हो गया, तो 15/100 आंसर। तो इस तरह से आप पॉइंट में रहे या डिवाइड में रहे या सिंपल संख्या रहे, माइनस में रहे, प्लस में रहे, जैसा भी रहे, तो उसका घनमूल निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो क्लियर है यहाँ तक, आज के वीडियो में इतना ही, और 3 क्वेश्चन बचा हुआ वो अगला वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया ये अभाज्य गुणनखंड में, और ज़्यादा लंबा वीडियो रहेगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, इसीलिए इसमें इतना ही, आगे भी यही घनमूल ही निकालना है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम है थोड़ा सा, उसमें घुमा फिरा का क्वेश्चन है, तो इसीलिए उसको अगला सेपरेट वीडियो में 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो 3 वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे।
तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।